गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में जो है, जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उनको हम कैसे पेमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो देखिए, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो उस समय जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं जिनकी हमें पेमेंट करनी होती है, तो बेसिकली जो है उनको हम कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं और इवन कैश के अलावा वो दूसरी एसेट्स भी जो हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे वो स्टॉक ले लें या फर्नीचर ले लें। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में जो है किस तरीके से जो है उनकी ट्रीटमेंट बनती है, क्या जर्नल एंट्रीज बनती है, लेजर अकाउंट्स में हम उनको कैसे शो करते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। तो बेसिकली आप पहले तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो ये जानने के लिए कि फर्म को डिसॉल्व करने पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है, हम जो है ये जानने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट जो है नॉमिनल नेचर का होता है, क्योंकि इससे हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली जितने भी हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और कैश के अलावा, ठीक है, बाकी जो हमारी एसेट्स होती हैं जैसे फर्नीचर है, स्टॉक है, ठीक है, या डेटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वो भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो सिंपल वे में जो असेट्स बिक सकती हैं, ठीक है, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जहाँ तक क्रेडिटर्स के पेमेंट्स की बात है, तो देखिए, अगर क्रेडिटर्स जो हैं हम उनको कैश देते हैं, मतलब कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आपको जो समझना है कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो एक तो कैश कम होगा, कैश कम हो रहा है तो इसका मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्रेडिटर ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो जो भी पेमेंट बनेगी वो रियलाइजेशन के थ्रू बनेगी, तो इसलिए उसमें एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर क्रेडिटर्स जो है कोई असेट्स ले लेते हैं, जैसे वो स्टॉक ले रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या, स्टॉक भी हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं रियलाइजेशन में, और रियलाइजेशन में हम क्रेडिटर भी ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो जनरली क्या होता है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम ये सोचें कि इसकी क्या एंट्री बनेगी, तो देखिए सीधी सी बात है कि जब लाइबिलिटीज़ की पेमेंट होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन अगर असेट्स बिकती हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम कहें कि भाई लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हो रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, असेट्स बिक रही है मतलब स्टॉक बिक रहा है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ऐसी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती। तो ये कहा जाता है कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे मेन जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि अगर क्रेडिटर्स स्टॉक लेते हैं या फर्नीचर लेते हैं, मतलब कोई भी असेट्स, कैश को छोड़कर कोई भी वो अगर असेट्स लेते हैं अपनी पेमेंट्स के तौर पे, तो उसकी कहीं कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, मतलब उसका जो आंसर होता है, आंसर आपको बताना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा, नो एंट्री रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जो है अब आपको जो ध्यान रखना है कि अगर हम क्रेडिटर्स को कैश में पेमेंट करते हैं तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन अगर हम काइंड्स में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब वो स्टॉक ले रहे हैं, फर्नीचर ले रहे हैं या लैंड एंड बिल्डिंग ले रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, तो उसकी कहीं कोई एंट्री नहीं होती। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो है इंफॉर्मेशन में कह रहा है अ क्रेडिटर फॉर ₹1 लाख एक्सेप्टेड स्टॉक वैल्यूड एट ₹1 लाख, और करके वो इसी इन्फॉर्मेशन को ऐसे भी कह सकता है अ क्रेडिटर एग्रीड टू टेक ओवर द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, ब्रैकेट में क्रेडिटर ₹1 लाख एंड स्टॉक ₹1 लाख। तो देखिए जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है, तो इस इन्फॉर्मेशन में वो कह रहा है कि 1 लाख का क्रेडिटर था, वो जो है स्टॉक ले रहा है 1 लाख में, ठीक है। तो आपको जो ध्यान रखना है कि जब क्रेडिटर जो है कैश के अलावा कोई और असेट्स लेता है, मतलब जैसे यहाँ स्टॉक ले रहा है, तो इसकी जो है कहीं भी कोई एंट्री नहीं होती, मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा नो एंट्री रिक्वायर्ड। अब देखिए इसमें हमने जो है ध्यान जो देना है वो ये है कि जब क्रेडिटर्स जो है स्टॉक लेते हैं इस तरीके से,
तो एक तो हमारी लाइबिलिटीज की पेमेंट भी हो रही है और वहीं पे हमारा स्टॉक भी बिक रहा है, तो इसलिए क्या होता है कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो हम इसको फिर कहीं भी शो नहीं करते, तो इसलिए इसका जो आंसर होता है वो होता है आपका नो एंट्री रिक्वायर्ड। तो इस एग्जाम्पल में तो इतना ही था, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो है इन्फॉर्मेशन में कह रहा है अ क्रेडिटर फॉर ₹1 लाख एक्सेप्टेड स्टॉक वैल्यूड एट ₹80,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, और करके वो इसी इन्फॉर्मेशन को ऐसे भी कह सकता है क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स ₹1 लाख एंड स्टॉक ₹80,000। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें ध्यान देने वाली जो बात है कि क्रेडिटर है 1 लाख का और स्टॉक की वैल्यू जो है वो 80,000 की लगाई गई है, लेकिन क्रेडिटर वो कह रहा है कि ठीक है मुझे ये स्टॉक ही दे दीजिए, जो भी मुझे आपने पेमेंट करनी है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस क्लेम का मतलब है कि टोटल 1 लाख रुपये बनता है, बट वो एग्री कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप मुझे 80,000 का ही स्टॉक दे दीजिए, 20,000 का वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो इन फुल सेटलमेंट वर्ड साथ में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख का जो क्रेडिटर है वो स्टॉक 80,000 में ले रहा है, तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि हमारे यहाँ पर पूरे क्रेडिटर की जो है पेमेंट हो रही है। तो अगेन वही बात है कि क्रेडिटर को हमें कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं देना स्टॉक के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टॉक देकर फाइनल सेटलमेंट कर लिया। तो जब भी क्रेडिटर को कैश के अलावा कोई और एसेट दी जाती है, जैसे यहाँ पर स्टॉक को हम दे रहे हैं, तो उसकी कहीं कोई एंट्री नहीं होती, जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी बताया था, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटीज़ की पेमेंट भी हो रही है और हमारी असेट्स भी बिक रही हैं। तो इसलिए इसकी जो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा नो एंट्री रिक्वायर्ड, मतलब ये उसका फाइनल आंसर होगा। तो इस एग्जाम्पल में तो इतना ही। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें इन्फॉर्मेशन में कह रहा है अ क्रेडिटर फॉर ₹1 लाख एक्सेप्टेड स्टॉक वैल्यूड एट ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, और करके वो ऐसे भी कह सकता है क्रेडिटर एग्रीड टू टेक ओवर द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स ₹1 लाख एंड स्टॉक ₹1,40,000। तो देखिए इस इन्फॉर्मेशन में जो है वो क्या कह रहा है कि 1 लाख का क्रेडिटर था और वो क्या कर रहा है कि स्टॉक लेने के लिए तैयार है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1,40,000 लगाई गई है, लेकिन वो कह रहा है कि ठीक है मैं इसको जो है अपने फुल सेटलमेंट का मतलब है कि यहाँ पे वो उसे 1 लाख रुपये में लेने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो है आपको जो मेन पॉइंट समझना है वो ये है कि जब क्रेडिटर जो है कोई असेट्स लेता है तो आपको जो ध्यान देना है वो है यहाँ पर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, मतलब जो स्टॉक दिया गया है वो 1 लाख रुपये के बदले में दिया गया है, चाहे उसकी वैल्यू 1,40,000 है वो डजेंट मैटर, क्योंकि मेन जो पॉइंट है वो ये है कि स्टॉक जो है वो हमने क्रेडिटर को दे दिया कि ठीक है जी आप जो है ये स्टॉक ले लीजिए। अब चाहे वो 1,40,000 का था हमारे लिए, बट क्रेडिटर को तो हमने 1 लाख रुपये में ही दे दिया, तो मतलब यहाँ पर जो हमारे क्रेडिटर हैं वो फुली पेड हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि उनको जो है जो भी अमाउंट देना है उनके अमाउंट के बदले में हम उनको स्टॉक दे रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर जो है क्रेडिटर्स को हम स्टॉक दे रहे हैं, तो जब भी हम कैश के अलावा कोई असेट्स देते हैं क्रेडिटर को, जैसे यहाँ स्टॉक दिया जा रहा है, तो उसकी कहीं कोई एंट्री नहीं होती। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा या जो आंसर होगा वो होगा नो एंट्री रिक्वायर्ड। तो इस एग्जांपल में तो इतना ही। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है अब हमारा यहाँ पर, वो हमें इन्फॉर्मेशन में कह रहे हैं अ क्रेडिटर फॉर ₹1 लाख वर ड्यू टू बी पेड कोमा एक्सेप्टेड स्टॉक एट ₹70,000 एंड बैलेंस वॉज पेड टू हिम बाय अ चेक। तो देखिए जहाँ तक इसमें इन्फॉर्मेशन की बात है तो इसमें 1 लाख का क्रेडिटर है और हमें उसको पेमेंट करनी है, जिसमें वो स्टॉक जो है वो 70,000 में ले रहे हैं, मतलब वो ये कह रहा है कि ठीक है 70,000 का मैं ये स्टॉक लेने के लिए तैयार हूँ, बाकी जो बैलेंस बचेगा 30,000 का, क्योंकि टोटल 1 लाख का है तो 30,000 का जो बैलेंस है उसके लिए फिर हमें उसे चेक से पेमेंट करनी पड़ेगी। चेक वर्ड पे आपको ध्यान देना है, मतलब हम चेक से उसको पेमेंट करेंगे। तो एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है अब यहाँ पर वो ये है कि क्रेडिटर 1 लाख का है, बट अब वो फुल सेटलमेंट में स्टॉक नहीं ले रहा, वो ये कह रहा है कि ठीक है मुझे 70,000 के बदले में स्टॉक दे दो, ठीक है, पहले तो पॉइंट आपको ये समझना है, और बाकी जो 30,000 रह गया है उसके लिए वो चेक से पेमेंट ले रहा है।
तो एक चीज ध्यान रखना कि जब क्रेडिटर को हम कैश के अलावा कोई असेट्स दे देते हैं, जैसे स्टॉक दे रहे हैं, तो इसकी तो कहीं एंट्री नहीं होगी। मतलब 70,000 की आपने कहीं कोई एंट्री नहीं करनी, लेकिन हाँ 30,000 का हम उसे चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि ये जो पेमेंट है इसकी जर्नल एंट्री हमारी बुक्स में होंगी। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब आप पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक बैलेंस कब कम होता है? जब हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि अगर बैंक बैलेंस कम होता है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, और क्योंकि हमें जो है हम पेमेंट कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये क्रेडिटर्स जो हैं हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर जो पेमेंट है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होगी। तो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी इसमें वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000 और नरेशन में आप लिख सकते हैं बींग पेड टू क्रेडिटर। तो यहाँ पर जो है आपको जो समझना है वो कि क्रेडिटर को जो हम फाइनल पेमेंट कर रहे हैं 30,000 की, उसकी हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। और जहाँ तक लेदर पोस्टिंग की बात है तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है एंट्री में देखिए डेबिट हो रहा है, तो इसलिए ये रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे एंट्री जाएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 30,000 ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, और सीधी सी बात है बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे 30,000 ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट की जो डेबिट में एंट्री आ रही है वो बैंक अकाउंट की क्रेडिट में आएगी, मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है, क्रॉस में चली जाती है। तो ये इसकी लेदर पोस्टिंग थी। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। इस एग्जाम्पल में वो कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन में ही क्रेडिटर्स वर्थ ₹65,000 वर सेटल्ड बाय हैंडिंग ओवर द एंटायर स्टॉक टू देम अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ ₹23,000 बाई चेक। तो देखिए अब इसमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है तो इसमें टोटल 65,000 के क्रेडिटर्स हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनको जो है हमने सारा का सारा स्टॉक दे दिया है और साथ ही साथ हमने उन्हें 23,000 का चेक भी दिया है। तो मेन जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है 23,000 जो चेक से पेमेंट हो रही है उसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे, बाकी जो हमने स्टॉक दिया है ठीक है तो वो स्टॉक की जो है कहीं कोई एंट्री नहीं आएगी। तो जो 23,000 नेट अमाउंट हमने दिया है वही हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तरीके से जो 42,000 का स्टॉक जो है वो उनको दिया जा रहा है उसकी कहीं कोई एंट्री नहीं होगी। तो जहाँ तक पेमेंट की बात है तो आप ध्यान रखिए चेक से पेमेंट हो रही है, चेक वर्ड है, तो बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक बैलेंस कम होता है तो बैंक अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं, और सीधी सी बात है कि क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही इसकी एंट्री बनेगी। तो जो हमारी जर्नल में एंट्री बनेगी वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 23,000 टू बैंक अकाउंट 23,000 बीइंग पेड टू क्रेडिटर्स। और जहाँ तक इसके लेदर पोस्टिंग की बात है तो देखिए अब रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो एंट्री में डेबिट हो रहा है, इसलिए जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 23,000, और फिर जब हम इसे बैंक अकाउंट में दिखाना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट क्योंकि एंट्री में क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 23,000। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट की जो डेबिट में एंट्री है वो बैंक अकाउंट की क्रेडिट में आएगी, मतलब एक अकाउंट की जो डेबिट में एंट्री होती है वो दूसरे अकाउंट की क्रेडिट में जाती है, मतलब लेफ्ट टू राइट, ऐसे आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में तो इतना ही था, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। अब इसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन में कह रहा है क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000 टुक ओवर स्टॉक ऑफ ₹10,000 एट 10% डिस्काउंट एंड द बैलेंस वॉज पेड टू देम इन कैश। तो देखिए जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है तो इसमें टोटल क्रेडिटर्स 30,000 के हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि स्टॉक है 10,000 का जिसे वो 10% डिस्काउंट पे ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको जो समझना है वो यही है, इसका ये वर्किंग नोट है आप देख सकते हैं, इसमें टोटल क्रेडिटर्स हमारे 30,000 के ही हैं, बाकी वो स्टॉक जो है वो 10% डिस्काउंट में ले रहे हैं 10,000 का, तो इसलिए लेस स्टॉक टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स फॉर करके ब्रैकेट में 10,000। अब 10,000 का 10% जो है वो 1,000 बनेगा, तो 1,000 कम कर देंगे तो इसका मतलब वो ₹9,000 में स्टॉक लेने के लिए तैयार हैं। तो 10,000 का जो स्टॉक है वो ₹9,000 में लेने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब
अब हमें उनको और कितना पेमेंट करना है, 21,000। तो जो 21,000 है उसकी पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं, यहाँ चेक नहीं है, ध्यान रखना है आपने, कैश वर्ड है तो आप कैश को ध्यान रखेंगे। तो 21,000 की कैश में पेमेंट होगी। तो अगेन वही बात है कि क्रेडिटर्स को अगर कोई स्टॉक वगैरह दिया जाता है, कोई असेट्स दी जाती है कैश के अलावा, ठीक है, तो उसकी कहीं कोई एंट्री नहीं होती। मतलब जो 9,000 का उन्होंने स्टॉक लिया उसकी कहीं कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जो फाइनल पेमेंट हो रही है 21,000 की, उसकी पेमेंट होगी। तो वही बात है कि जब आप कैश पे करेंगे तो कैश का बैलेंस कम होगा, ठीक है, और सीधी सी बात है कि अगर कैश का बैलेंस कम होता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगेन लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर रहे हैं तो इसलिए जो है ये रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही रिकॉर्ड होगी। तो जहाँ तक जर्नल एंट्री की बात है तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 21,000। और इसके बाद जो है जहाँ तक इसके लेजर पोस्टिंग की बात है तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। तो इसलिए आप रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 21,000 ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। और क्योंकि कैश अकाउंट में भी इसको शो करना है तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 21,000। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट की जो डेबिट में एंट्री है वो कैश अकाउंट की क्रेडिट में आएगी, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो इस एग्जाम्पल में तो इतना ही था। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो है वो इन्फॉर्मेशन में कह रहा है अ क्रेडिटर फॉर ₹1,00,000 एक्सेप्टेड स्टॉक वैल्यूड एट ₹1,40,000 एंड पेड टू द फर्म ₹40,000। तो जरा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि क्रेडिटर जो है वो 1,00,000 का था और स्टॉक की वैल्यू 1,40,000 लगाई गई है। तो वो जो है 1,40,000 का स्टॉक लेने के लिए तैयार है, और क्योंकि 1,00,000 रुपये तो उसने लेना ही था, बट 1,40,000 का वो स्टॉक ले रहा है। तो अब क्रेडिटर हमें पेमेंट कर रहा है 40,000 की, मतलब हम जो है 40,000 रुपये रिकवर कर रहे हैं क्रेडिटर से, ठीक है। तो एक तरीके से जो अब आपको ध्यान रखना है कि अगेन जो क्रेडिटर है 1,00,000 का, ठीक है, स्टॉक उसने 1,40,000 का ले लिया, लेकिन वही बात है कि भाई 1,00,000 की तो पेमेंट हो गई, अब 40,000 का जो है वो और अमाउंट हमें देने के लिए तैयार है। यहाँ पर इन फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और क्लियरली लिखा भी हुआ है कि उसने फर्म को जो है 40,000 पे करा है। तो यहाँ जो 40,000 रुपये हमें मिल रहे हैं स्टॉक के, तो एक तरीके से सिंपल ये हमारी असेट्स बिक रही हैं, पैसा आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है, कैश का बैलेंस बढ़ेगा। अब कैश का बैलेंस बढ़ता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। और सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई भी आपकी असेट्स बिकती है, ठीक है, उसका पैसा आता है आपके पास, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही रिकॉर्ड होता है। तो पहले आप ध्यान रख सकते हैं कि कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा, लेकिन जो क्रेडिट होगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसलिए जो जर्नल में एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। और नरेशन में आप सिंपल लिख सकते हैं बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। और जहां तक इसके लेजर पोस्टिंग की बात है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो जहां तक कैश अकाउंट की बात आएगी तो कैश अकाउंट में हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 40,000। और क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएंगे बाय कैश अकाउंट ₹40,000 ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। तो एक तरीके से कैश अकाउंट की जो डेबिट में एंट्री है वो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में जाएगी, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो इस एग्जांपल में इतना ही था। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। अब देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन में लिखा है टोटल क्रेडिटर्स वर ₹36,000, हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट फर्नीचर वैल्यूड एट ₹20,000 एट फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड रिमेनिंग हाफ एग्रीड टू एक्सेप्ट 10% लेस। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें वो ये कह रहा है कि टोटल क्रेडिटर्स 36,000 के हैं, ठीक है, और उसमें से आधे क्रेडिटर्स, आधे का मतलब है 18,000, 36,000 का हाफ होता है 18,000, 18,000 के क्रेडिटर्स क्या कर रहे हैं, वो फर्नीचर ले रहे हैं जिसकी वैल्यू 20,000 है, लेकिन एट फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, मतलब एट फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि
18,000 के क्रेडिटर्स यहाँ पे फर्नीचर से सेटल्ड हो गए, चाहे उसकी वैल्यू 20,000 है उससे कोई मैटर नहीं करता। तो 18,000 के जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने फर्नीचर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ तो 18,000 के बदले में कोई आपको जो है पेमेंट नहीं करनी, मतलब इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। एंड रिमेनिंग हाफ का मतलब बाकी 18,000 के बचे हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आप हमें 10% कम पेमेंट कर दो, मतलब वो 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो जहाँ तक इसके वर्किंग नोट की बात है, तो वर्किंग नोट में पहले आप देखेंगे कि टोटल क्रेडिटर्स 36,000 के हैं। अब उसमें से लेस बुक वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स हु टुक ओवर फर्नीचर, जिन्होंने फर्नीचर लिया वो 18,000 के ही हैं, क्योंकि आधे क्रेडिटर्स ने फर्नीचर ले लिया तो 18,000 कम कर दिए। रिमेनिंग क्रेडिटर्स जो बचे वो 18,000 के हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आप हमें 10% कम दे दो। तो 18,000 का 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो वो बनेगा 1,800। तो बाकी जो बच जाएगा 16,200, ये हमें पेमेंट करनी है क्रेडिटर्स को। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फाइनली हमें जो पेमेंट करनी है वो सिर्फ 16,200 की करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है कि जो हमने फर्नीचर दिया है उसकी कहीं कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, 16,200 दिया है तो उसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो अगेन आप ध्यान दीजिए, जब आप पेमेंट करेंगे तो कैश का बैलेंस कम होगा, और कैश का बैलेंस कम होता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर आप एक चीज़ भी ध्यान रखेंगे तो उसके रिवर्स में आप रियलाइजेशन लेंगे एंट्री बनाते वक्त, तो आप ध्यान रखिए कि पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होगी, इसलिए जो जर्नल एंट्री है वो हमारे यहाँ बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,200 बीइंग पेड टू क्रेडिटर्स। और जहाँ तक इसके लेदर पोस्टिंग की बात है, तो देखिए एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 16,200, और क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए ये एंट्री जो है कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगी, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 16,200। तो इस एग्जाम्पल में इतना ही था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन में कह रहे हैं टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर ₹1,00,000, क्रेडिटर्स वर्थ ₹20,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग ₹15,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो देखिए जहां तक इस इंफॉर्मेशन की बात है, तो ये भी आपका जो है पिछले एग्जाम्पल जैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका वर्किंग नोट है पहले हम उस पर ध्यान देते हैं। टोटल क्रेडिटर्स हमारे जो है वो 1,00,000 के हैं, और उसमें से 20,000 के क्रेडिटर्स ने फर्नीचर ले लिया 15,000 का इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब है कि ठीक है 20,000 के क्रेडिटर्स कह रहे हैं कि भाई हमें ये फर्नीचर दे दो, चाहे उसकी वैल्यू 15,000 ही है, तो 20,000 के क्रेडिटर्स की एक तरीके से पेमेंट हो गई फर्नीचर के थ्रू, तो इसकी कहीं कोई एंट्री नहीं करनी है। तो इसलिए इसमें से हम क्या करेंगे, टोटल क्रेडिटर में से लेस करेंगे बुक वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स हु टुक ओवर द फर्नीचर। तो 20,000 लेस कर दिया, तो बाकी जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स है वो 80,000 के बचेंगे। अब बचे हुए जो क्रेडिटर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो जहां तक 10% डिस्काउंट की बात है, तो 80,000 का 10% निकालेंगे तो वो 8,000 बनेगा, तो लेस 10% डिस्काउंट 8,000, तो फाइनली हमें पेमेंट कितनी करनी पड़ी, 72,000। तो देखिए जहां तक इस ओवरऑल एग्जांपल की बात है, तो इसमें हमें जो फाइनल पेमेंट करनी पड़ी है वो है 72,000, तो इसलिए जो एंट्री है वो 72,000 से ही बनेगी। अगेन वही बात आती है कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को 72,000 की, तो कैश का बैलेंस कम होगा, कैश का बैलेंस कम होता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, और क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही रिकॉर्ड होगी। तो जहां तक इसकी जर्नल एंट्री की बात है, तो एंट्री बनेगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 72,000। और जहां तक इसके लेजर पोस्टिंग की बात है, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो हम बनाएंगे तो उसमें डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर 72,000, और कैश अकाउंट क्योंकि एंट्री में क्रेडिट हो रहा था इसलिए कैश अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर 72,000। तो एक तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट की जो डेबिट में एंट्री है वो कैश अकाउंट की क्रेडिट में जाएगी लेफ्ट टू राइट, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में तो इतना ही था, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इसमें जो है इन्फॉर्मेशन में कह रहा है अ क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹1,00,000 एक्सेप्टेड ₹40,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम।
तो देखिए यहाँ तक इस एग्जाम्पल की बात है तो इसमें 1 लाख का क्रेडिटर है जिसमें वो 40,000 तो कैश में लेने के लिए तैयार है और इन्वेस्टमेंट जो है वो 50,000 की उसकी वैल्यू है और वो इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस क्लेम ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 60,000 उसको हमें देना था, ठीक है, क्योंकि 40,000 तो कैश दे रहे हैं तो बैलेंस कितना बचेगा, 60,000। उसके बदले में उसने इन्वेस्टमेंट्स ले ली, चाहे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 है उसे कोई मैटर नहीं करेगा। तो अगेन आपको इसमें पूरे में जो ध्यान रखना है वो यही है कि आपने 40,000 की पेमेंट करी है। आप वर्किंग नोट में देख सकते हैं कि टोटल क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारे, मतलब जो अमाउंट ड्यू था क्रेडिटर को वो 1 लाख का था और उसमें हमने जो है उसको 40,000 जो है कैश दे दिया है, तो लेस कैश एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर 40,000, तो बाकी जो बचा वो 60,000 के हैं। तो 60,000 का अमाउंट ड्यू है जो क्रेडिटर जो है जिसके बदले में इन्वेस्टमेंट्स ले रहा है। तो अगेन इसमें हमें किस चीज़ को ध्यान रखना है, कैश को, मतलब फाइनली हमने कितना कैश पे करा है उसकी हम एंट्री करेंगे, बाकी हम इन्वेस्टमेंट देने की कहीं कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो अगेन यहाँ पे 40,000 की पेमेंट हो रही है तो आपका कैश जो है वो 40,000 से कम हो जाएगा, तो कैश अकाउंट जो है उसका बैलेंस कम हो रहा है। तो जब कैश का बैलेंस कम होता है तो उसे एंट्री में क्रेडिट किया जाता है। तो जहाँ तक जर्नल एंट्री की बात रहेगी तो एंट्री हमारी वही सेम रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 बीइंग क्रेडिटर्स पेड। और उसके बाद जो है आपका जो है इसकी जहाँ तक लेजर पोस्टिंग की बात है तो रियलाइजेशन अकाउंट देखिए डेबिट हो रहा है एंट्री में, तो इसलिए ये रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर ही दिखाया जाएगा, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 40,000। और जहाँ तक कैश अकाउंट में जो है इसको शो करने की बात है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। तो इस एग्जांपल में इतना ही था। तो देखिए ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, ठीक है, और ये जो है बोर्ड में भी हमारी जो है एडजस्टमेंट्स आ चुकी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। बाकी इस वीडियो में तो आज इतना ही, बाकी अगली वीडियो में आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।